मैं होटल से चला था तब भी मैं कॉन्फिडेंट था कि पहला सेट अगर वो हमारा गया इस कारण से हो गया, नहीं तो हम थ्री स्टेट बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ उनको ले मतलब हम आराम से जीत जाते। तो सेकंड सेट हमारे खिलाड़ियों ने आराम से जीता, लेकिन थर्ड सेट के अंदर फिर वो कई बार क्या हो जाता है, इतनी गैदरिंग होती है खिलाड़ियों के ऊपर, दबाव हो जाता है कि किस कारण से कोई खिलाड़ी दबाव में आ जाता है तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। वो हमारा ब्लॉक जितनी भी टीमें हैं उन टीमों से बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो ब्लॉक के कारण से हमारी टीम को एडवांटेज है। नेपाल के अंदर अटैकर थे वो दो ही अटैकर थे, सारे अटैकर नहीं चलने पा रहे थे, हमारे पास तीन अटैकर थे वो बेस्ट खेल रहे थे, तो वो अटैकर नहीं होने के कारण से, उनके अटैक दो ही होने के कारण से उनके पास वीकनेस थी। हमारे ब्लॉकर को ये पहले शोर था कि या तो इसको मिलेगा या इसको मिलेगा, दो ही, तो उनके पास अगर ज़्यादा अटैकर होंगे तो ज़्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो नहीं जा सकते। तो उनको कोच परमानेंट लगाना चाहिए कि यही कोच जाएंगे जिससे वो टीम को उसी के अनुसार तैयार करें। दूसरा, जो टीम है इस टीम को एक साथ रख के अगर कंटिन्यूस खिलाया जाए, बाहर देशों में जाके इनको एक्सपोजर दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये टीम ऊपर निकल सकती है। आजको काबा गेम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ र इन्डियाले चाहिँ यो काबा वुमेन्स नेसनको चाहिँ 2024 को चाहिँ उपाधि हासिल गरिसकेको छ र यसै बिच हामी माझ हुनुहुन्छ, कोच हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। बधाई, थ्याङ्क यू भेरी मच। कैसा लाग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा कंडक्ट किया व्यवस्थित रूप से और बहुत अच्छा कंडक्ट हुआ और अच्छी गैदरिंग थी और अच्छे माहौल के अंदर पूरा कंपटीशन हुआ। फर्स्ट सेट आप लोग लॉस्ट किए थे फर्स्ट सेट पे, उस वक्त आपको कैसा लग रहा था, हम कमबैक कर पाएंगे और नहीं? एक्चुअली क्या है, फर्स्ट सेट नेपाल का था 22, हमारा था 22 पॉइंट और नेपाल का था 17 पॉइंट। उस टाइम हमारे सेट से, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, हमारा सेट में कभी कभी दो मिस्टेक हो जाता है क्योंकि वो नया अभी खिलाना शुरू किया है, तो उसमें लगातार दो तीन गलती हो गई और एक सर्विस गई, उसी के अंदर हमारा वो सेट गया। अदरवाइज मुझे पूरा आशा था, जब मैं होटल से चला था मुझे 100% ये विश्वास था कि थ्री स्टेट देंगे और वो सेट आ जाता तो थ्री स्टेट लगता भी। जब आप प्रेशर में थे उस वक्त आपने जो इंजर्ड थे प्लेयर जर्सी नंबर 7 उसको अंदर भेज दिया, आपको क्या विश्वास था कि वो ना कमबैक कर पाएंगे कर सकेंगे? एक्चुअल आपने ठीक कहा, ये क्या होता है, एक स्ट्रेटेजी होती है, वो साइकोलॉजिकल भी होता है। जो वो सेटर है वो हमारा बहुत परफेक्ट सेटर है, अगर उसके पास खड़े खड़े भी बॉल पहुंच जाएगी तो किस अटैकर को खिलाना है वो चेंज ज़रूर ले लेगा, तो हमने ऐसे करके ये स्ट्रेटेजी किया, उसको अंदर डाला। हालांकि उसकी पोजीशन नहीं थी अंदर जाने लायक, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत किया, अंदर गया और जो हमारा सेटर था खेल रहा था उस सेटर को बाहर बिठा के हमने, हमारे कोचेज ने उसको बताया कि आपको क्या करना है, अभी इस सिचुएशन को देखो और उसके बाद आपको क्या करना है। तो इससे क्या है, प्लेयर को बाहर बैठे बहुत सी चीज़ों का मालूम पड़ जाता है, जब अंदर प्लेयर खेलता है उसको उतना ध्यान नहीं रहता जितना बाहर बैठने वाले को। जब आप सेकंड सेट पे भारी अंक से आगे जाके वो आप सेकंड सेट कर रहे थे, उस वक्त क्या लग रहा था अब थर्ड सेट पे हम आगे जाएंगे और ये ट्रॉफी हम ही लेंगे, आपका क्या विश्वास था उस वक्त, आपको क्या महसूस हो रहा था इतनी भारी स्कोर से हम जीते हैं, उस वक्त आपको क्या 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 फील हुआ था हम अब जीतेंगे या क्या? एक्चुअली क्या, जैसा आपने कहा कि हमारा स्कोर सेकेंड सेट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था और उनका कम चल रहा था, मैंने आपको जैसे बताया मैं होटल से चला था तब भी मैं कॉन्फिडेंट था कि पहला सेट अगर वो हमारा गया इस कारण से हो गया, नहीं तो हम थ्री स्टेट बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ उनको ले मतलब हम आराम से जीत जाते। तो सेकंड सेट हमारे खिलाड़ियों ने आराम से जीता, लेकिन थर्ड सेट के अंदर फिर वो कई बार क्या हो जाता है, इतनी गैदरिंग होती है खिलाड़ियों के ऊपर, दबाव हो जाता है कि किस कारण से कोई खिलाड़ी दबाव में आ जाता है तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे ही बताया हमने, उस टाइम सेटर चेंज किया, बाहर बिठाया, उसको बताया दिखाया, तो उसके समझ में आ गया, फिर बाद में हमने उस सेटर को फिर डाल दिया। हालांकि जब वो सेटर है वो हमारा फर्स्ट बेस्ट डिक्लेयर भी हुआ है बाद में, तो अच्छा खेला है वो, लेकिन उसके मैंने आपको पहले बताया था हाइट के कारण से मार खा रहा है, अदरवाइज सेटर बहुत अच्छा है लेकिन वो हाइट नहीं है उसके कारण से अटैकर उसका फ़ायदा उठाते हैं, ऊपर से बॉल मारते हैं। जब ग्राउंड उधर जाते थे उस वक्त जो नेपाल और इंडिया वो जीत लेते थे, आप कैसा लगता है उस वो कोड़ा लक्की थे? एक्चुअली क्या, कुछ प्लेयर हमने ऐसा सोचा नहीं, हमने तो पहले भी वो ग्राउंड लिया था, उन्होंने चेंज किया, उन्होंने डिमांड ग्राउंड का किया था वो किया, तो हम इधर आया नहीं, हम तो पहले ही बैठे हुए थे। एक्चुअली क्या है, कुछ लोग जरा जैसे ग्राउंड का चलना शुरू हो जाता है, आप ठीक कहते हो, कंटिन्यूस वो ग्राउंड जीतता रहा, अब भी ऐसा ही हुआ, लेकिन फिफ्थ सेट है उसमें थोड़ा उल्टा हो गया, उसमें हम यहाँ थे, ये ग्राउंड हारा है कंटिन्यूस, लेकिन इसमें हमने 8 और उनके 2 ही थे,
तो ऐसा नहीं है, ये समय है उसके अनुसार चल जाता है, लेकिन क्या खिलाड़ियों के दिमाग में आ जाता है कि ये एक राउंड लेंगे, ये एक राउंड जीतता है। आप तो पहले भी चैंपियन रह चुके हैं और आपने पहले भी इंटरव्यू में कहा था हम कर सकेंगे, हम कर लेंगे, हमारा टीम और बहुत ही अच्छा है, आपने कहा भी था इंटरव्यू पे वो उस वक्त। आप कैसे ले रहे थे नेपाल को, अब हम नेपाल को बीट करके विन होंगे और नहीं होंगे, आप कैसे महसूस कर रहे थे नेपाल को, नेपाल के बारे में, टीम के बारे में क्या कुछ उन्होंने क्या कुछ गलती कमियाँ करी और आप नहीं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है मैंने आपको कल भी बताया था, जो ब्लॉक है वो हमारा ब्लॉक जितनी भी टीमें हैं उन टीमों से बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो ब्लॉक के कारण से हमारी टीम को एडवांटेज है। नेपाल के अंदर अटैकर थे वो दो ही अटैकर थे, सारे अटैकर नहीं चलने पा रहे थे, हमारे पास तीन अटैकर थे वो बेस्ट खेल रहे थे, तो वो अटैकर नहीं होने के कारण से, उनके अटैक दो ही होने के कारण से उनके पास वीकनेस थी। हमारे ब्लॉकर को ये पहले शोर था कि या तो इसको मिलेगा या इसको मिलेगा, दो है तो उनके पास अगर ज़्यादा अटैकर होंगे तो ज़्यादा जगह डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो नहीं जा सकते, तो हमारा मेन कारण जीतने का रहा है ब्लॉक। ये तो होम ग्राउंड ये नेपाल के, ऑब्वियसली क्राउड तो नेपाल को ही जाता है, उस वक्त आपको क्या लग रहा था आपके आपके स्कोर आने पर भी क्राउड नहीं आता, उस क्राउड ने आपको कुछ इफेक्ट करता है और नहीं, क्राउड कैसे मायने रखता है? आप देखिए, आप ठीक कर रहे हैं, क्राउड ज़्यादा काम वहाँ करता है जहाँ प्लेयर, जो खेलने वाले प्लेयर हैं वो बिगनर्स हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं है। इनमें जो हमारी टीम में खिलाड़ी खेल रहे थे ये करीब करीब किसी का 15 इयर्स का है, किसी का 20 इयर्स का है, 10 इयर्स से तो ऊपर ऊपर ही हैं, तो इनका अच्छा आउटसाइड भी खेलने गए हैं, दूसरे देशों में भी खेल के आए हैं, तो इनका एक्सपीरियंस इस तरह का काफ़ी हो गया है। हर समय दबाव में आ जाते हैं नो डाउट, लेकिन पुराने खिलाड़ी होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, वो कम दबाव में आते हैं। इज ए हेड कोच, आप नेपाल को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, इस ये टफ मैच था, क्या क्या कमजोरी पाए आपने और क्या सुधारना पड़ेगा आगे जाके? आप ये आप तो एक कोच है, हेड कोच है, इसलिए नेपाल के लिए कुछ ये आपके एक्सपीरियंस से कुछ कहना चाहेंगे नेपाल के? ऐसा है, एक तो कोई भी है उनको कोच परमानेंट लगाना चाहिए कि यही कोच जाएंगे जिससे वो टीम को उसी के अनुसार तैयार करें। दूसरा, जो टीम है इस टीम को एक साथ रख के अगर कंटिन्यूस खिलाया जाए, बाहर देशों में जाके इनको एक्सपोजर दिया जाए, तो निश्चित रूप से ये टीम ऊपर निकल सकती है। पर ज़्यादातर क्या है, नेपाल में भी इंडिया में भी क्या है, एक ये टीम खेल के चली गई दूसरी जगह जाएगी, वो कोई दूसरी टीम जाएगी, ये नहीं जाएगी, तो जो प्लेयर को मिलना चाहिए, जो उसको नॉलेज आना चाहिए, वो नहीं आने पाता और वो वैसा का वैसा चलता रहता है। तो इस टीम को अगर कंटिन्यूस रखें, एक्सपोजर दें, तो ये टीम अच्छी उठ सकती है। आपको बहुत बहुत बधाई है, आपने इस काबा वुमेन्स वॉलीबॉल नेशनल लीग के चैंपियन अब भी रह चुके हैं और आगे भी जाके आपके आपके लिए आपकी टीम के लिए गुड विशेस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बधाई है। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतना क्रेडिट दिया, इसके लिए आपका हम हृदय से आभारी है।